नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता सांसद संजय सिंह के 3 करीबियों को समन भेजा है। इनमें विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवरबीर सिंह का नाम शामिल है। सर्वेश मिश्रा आज ही ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। एक एजेंसी के मुताबिक ईडी इन तीनों से संजय सिंह के सामने पूछताछ करेगी। एएपी सांसद फिलहाल 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। सिंह को बुधवार 4 अक्टूबर को उनके दिल्ली वाले घर से ईडी ने दिन भर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय के इन करीबियों पर आरोप लगाते हुए ईडी ने कहा कि सर्वेश ने संजय सिंह के घर पर उनकी तरफ से 2 बार में 2 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं संजय के पर्सनल असिस्टेंट विजय त्यागी को आरोपी अमित अरोड़ा की कंपनी अरालिया हॉस्पिटैलिटी के कमर्शियल प्रॉफिट में हिस्सा ऑफर किया गया था। ईडी इन तीनों से क्राइम और इससे हुई पूरी आय का पता लगाने का सवाल जवाब करेगी। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संजय के करीबियों को समन भेजे जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार और रोज नए खुलासे होना आम बात हो गई है। पॉलिसी में नीतिगत चेंज, जिसका मतलब है केवल संजय सिंह ही नहीं पूरी पार्टी दोषी है। कल कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी किसी भी तरह से गलत नहीं है। आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।